राइड लेने वाली हैं जी, इस राइड के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। हमने खूब रिक्वेस्ट किया सचिन से, मनीषा से, जिया से, कोई भी तैयार नहीं हुआ जी, क्योंकि हमें देख के ही डर लग रहा था, इतना लंबा था। बहुत मजा आ रहा है। ओ भाई साहब, भाई साहब, गजब ट्विस्ट लेना है। हम लोग अंदर, हम नहीं जाएंगे। ओ किधर है, ओ किधर है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी यहाँ पर देख रहे होंगे सभी लोग तैयार हैं। हम लोग आज जाने की तैयारी कर रहे हैं वाटर पार्क। कुछ दिन पहले ही सचिन भाई का ब्लॉग हमने देखा था कि ये लोग वाटर पार्क गए थे और खूब मजे किए थे, तो हमने सोचा कि चलिए हम भी चलते हैं। हम लोग तो पहले सोच रहे थे नोएडा साइड चले जाएंगे, लेकिन उधर का वाटर पार्क अभी बंद है, लेकिन इनके साइड का वाटर पार्क खुला है। तो जी अब भाग गए इधर से, अचानक दौड़ के कहे भाग रही थी भाई, तुम देखे काहे भागी। तो हाँ जी, तो आज हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क और उम्मीद करते हैं जी हम लोग को भी मजा आएगा। आप लोग वीडियो देखेंगे, आप लोग को भी मजा आएगा। और अभी अभी तो मजे करके आए ही हैं हम लोग, ऋषिकेश घूम करके आए। भले हमारा प्लान था कि मसूरी तक जाएंगे हम लोग, लेकिन जान ही रहे हैं कि अभी लैंडस्लाइड सबका कुछ सीन सब चल रहा है, तो हम लोग गए नहीं और वापस लौट आए। कर रहे हैं निकलने की तैयारी, लेकिन इधर जिया और मनीषा जी अभी तक तैयार ही नहीं हुए हैं, तो जल्दी से तैयार हो जाइए आप लोग ताकि निकले हम भी। उधर से क्लिप पार हो गया। ओ भाई साहब, तो जी फाइनली ये लोग हो गए हैं तैयार, अब उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। सचिन भाई भी गाड़ी लगा करके बाहर में इंतजार कर रहे हैं कि अब आएंगी तब आएंगी, लेकिन इन लोग का जो है थोड़ा मेकअप हो ही नहीं रहा था जल्दी से, तो अब हो गया है इन लोगों का। और उधर मनीषा जी जो है गेट को लगाएंगे। फाइनली जी हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, उधर मनीषा जी भी व्लॉगिंग कर रही है और सचिन भाई ड्राइव कर रहे हैं। जा रहे हैं वाटर पार्क की तरफ, लेकिन सचिन भाई बता रहे हैं कि एक संशय बना हुआ है। वह संशय इस बात का है कि आज शायद सैटरडे है, तो सैटरडे को बंद भी रह सकता है वो वाटर पार्क। यही है क्या ऐसा कुछ? तो उम्मीद करते हैं जी बंद नहीं हो, अगर बंद हुआ तो जिया और मनीषा दोनों का दिल टूट जाएगा। भाई साहब इधर देखिए कितना लोड किया हुआ है, एक लगता है ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के ऊपर इतना सामान, जबरदस्त ओवरलोडिंग है, यही सब पलटता है फिर, और ऊपर बैठा भी हुआ है आदमी सर, भाई साहब एकदम रिस्क पर डाल करके। ये हम लोग पहुंच गए हैं वाटर पार्क के पास, आप पीछे देख रहे होंगे लिखा हुआ H2O फन। तो आज जिया का बहुत ज्यादा मन था, तो सचिन भाई उसको लेकर के आ गए, लेकिन उनको थोड़ा डाउट था कि वाटर पार्क खुला रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन वाटर पार्क भगवान की कृपा से खुला है। तो चलिए इन लोग का भी मन रह गया, इन लोग को भी अब मन लग जाएगा। वैसे सचिन भाई जो है टिकट ले रहे हैं टिकट काउंटर पर, सचिन भाई ने वहाँ ले लिया है टिकट और उधर जिया और मनीषा एंट्री कर रही है। लोग एंट्री कर गए हैं और एंट्री करते ही हमें दिख रहा है यह खूबसूरत सा स्टैचू जो बना हुआ है। आज ये माहौल तो अभी अच्छा ही लग रहा है, अंदर बज रहे हैं एकदम पंजाबी गाने, मन कर रहा है एकदम थिरकने का खूब थिर के। या वाटर पार्क खुला है, एंट्री भी मिल गई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऑल थैंक्स टू सचिन भाई। और अभी क्योंकि मेरे पति देव तो अलाउ नहीं कर रहे थे, अभी हम लोग झूला वगैरह भी खेलेंगे, पहले खूब सारा मस्ती करेंगे, आज रात में जाएंगे घर। उधर से सचिन भाई आ रहे हैं दौड़े दौड़े, इनको लग रहा था कि शायद कार कोई पैंट पहन के फिर आ गया। भुलैया भी है। अच्छा कहाँ पर? ये भूल भुलैया भी है, चलेंगे मजा आता है। पिछली बार ना मिस टू क्या किए थे ना, हमको ऐसे ऐसे कर रहे थे, हम बोला अरे हम है मिरर नहीं है। आगे है कॉस्ट्यूम वाले डिपार्टमेंट में, तो यहाँ से अब हम लोग जो है कॉस्ट्यूम ले लेंगे, कॉस्ट्यूम ले करके चलते हैं अंदर। ले लो मेरे लिए भी ले लो, चारों एक पहनेंगे। नहीं अच्छा, अरे नहीं, बॉयज का अलग है गर्ल्स का, ठीक है। तब हम लोगों ने ले लिया है कॉस्ट्यूम और हम लोग घुस गए हैं जी अंदर, अंदर देख रहे होंगे जी और मनीषा जी और
सचिन भाई सभी आ चुके हैं। हमको लग रहा था चोट ना लग जाए, लेकिन चोट नहीं लगा, हमको डर था चोट लगने का। ओ भाई साहब मजा आ रहा है जी वाटर पार्क में। जिया डर गई थी, चढ़ नहीं रही थी, डर खत्म हुआ, खत्म हो गया डर। तो जी अब हम लोग चल रहे हैं ऊपर, हम लोग को ट्यूब से वो स्लाइड करने वाले पर जाना है, तो बहुत ही मजा आने वाला है, तो चलते हैं ऊपर जल्दी से। जिया तो चढ़ने को तैयार ही नहीं हो रही थी, जिया को काफी ज्यादा डर लग रहा था। फिर हमने सचिन भाई को कहा भाई आप लोग चलो, पीछे से हम लोग आते हैं। फिर जिया ने जब उन्हें देखा राइड करते हुए, फिर जिया में भी हिम्मत आई, फिर कही चलिए हम भी चलते हैं आपके साथ। तो हम लोग बैठ गए हैं जी और हम लोग जा रहे हैं, मजा आ रहा है, स्लाइड में हम लोग बहुत मजा आ रहा है। ओ भाई साहब, भाई साहब गजब ट्विस्ट ले रहा है। ओ भाई अब लगता है पानी जाने ही वाले हैं, पानी में लगता है जाने ही वाले हैं। और यहाँ से हो गया धीरे मामला, यहाँ से हो गया फास्ट, अब पानी में गए, ये गया हम लोग पानी में, मजा आ गया जी। तो भाई साहब बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है, हम लोग फिर से एक राइड ले रहे हैं, एक राइड से मन नहीं भरा तो हम लोग ले रहे हैं कि दूसरा राइड, मजा आ रहा है। डीजे सचिन वाली साइन जार कर रहे हैं और छोड़ देते हाथ, ट्विस्ट मार रहा है, नहीं नहीं अनबैलेंस हो रहा था अगर अब एक हाथ ले रहे थे तो। ओ भाई अब हम लोग घर जाने ही वाले, पानी माने वाले, राइड लेने के बाद जी फिर जो हम लोगों ने मस्ती स्टार्ट किया पानी में, पूछिए मत, इतनी ज्यादा मस्ती कर रहे थे, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा था कि टाइम भी बीतता जा रहा है। जिससे पहले हम गए थे नोएडा के वाटर पार्क में, तो हम लोग सोच रहे थे कि फिर से नोएडा के वाटर पार्क में चले जाएं, लेकिन वह वाटर पार्क इस समय बंद था, तो हम लोग आ गए जी यहीं पर। काफी अच्छा वाटर पार्क था, हम लोगों ने खूब सारा एंजॉय किया और थैंक यू बोलेंगे सचिन भाई को कि जिन्होंने हमें यहाँ लेकर गए, क्योंकि पतिदेव तो हमें लेकर आ ही नहीं रहे थे ना। बिल्कुल जी, हमें सर्दी जुकाम का डर था, फिर एक पल के लिए सोचा चलो बाहर में यह सर्दी जुकाम एक बार मस्ती कर लेते, देख लेंगे बाद में जो भी होना है। और यहाँ देखिए पतिदेव को, पतिदेव इसके अंदर गए थे ना तो हमें काफी डर लग रहा था, क्योंकि वो थोड़ा लेट से आ रहे थे, तो हम बोल रहे थे ये लेट से क्यों आ रहे हैं, आप पहले आ गए, तो बोले कि आ रहे हैं, आ रहे हैं वो भी। और जी यहाँ देखिए जी हम लोग की मस्ती, इस ट्यूब पर हम लोग चले गए एकदम तैर रहे हैं। अब जो हम अगली राइड लेने वाले हैं जी, इस राइड के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, हमने खूब रिक्वेस्ट किया सचिन से, मनीषा से, जिया से, कोई भी तैयार नहीं हुआ जी, क्योंकि हमें देख के ही डर लग रहा था, इतना लंबा था ये। लेकिन देखिए जी कितना ज्यादा मजेदार है, खूब मजा आया जी। A few moments later. ने जी खूब मस्ती करी वाटर पार्क में, बहुत ज्यादा आया मजा, बहुत ज्यादा। तो जिया चाह रही थी वाटर पार्क में आना और हम लोग को लग रहा था कि शायद वाटर पार्क खुला रहे या नहीं रहे, लेकिन वाटर पार्क खुला था और खूब मजे की हमने, कुछ कुछ राइड जिया को कह रहे थे ले लेने, लेकिन वो डर रही थी तो नहीं ली, लेकिन हमने तो राइड लिया ही, क्योंकि हम वाटर पार्क में जी एक भी चीज मिस नहीं करते, हम सोचते उसका फुल पैसा वसूल, कहीं भी जाते हैं कुछ भी मिस नहीं करते हैं, लेकिन हमें डर लगता है, लेकिन इनकी वजह से कुछ कुछ चीजें हम कर पाते हैं, लेकिन हमको बहुत डर लगता है, लेकिन इनकी वजह से सिर्फ मैं कर पा रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि कुछ नहीं होगा। तो जी अभी वाटर पार्क में हम लोग घूम लिए हैं, अब जाने वाले अम्यूजमेंट पार्क में, जहाँ पर तरह तरह का झूला है, बाकी देखते हैं जिया वहाँ पर कितना झूला पर राइड करती है, तो लगता है कि हम ही शायद कम राइड करें, खराब होता है तब हम ही को डर लगने लगी है झूला से, कोई बात नहीं देखते हैं जी चलकर। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा, तब चलते हैं आगे, आगे भी आप लोग को मजा कराते हैं।
कोई भी लाइए, ये लो आप स्ट्रॉबेरी हम ले लें। A few moments later. तो जी यहाँ पर जितना भी हम लोग का कॉस्ट्यूम था वो सारा कॉस्ट्यूम हम लोग वहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं और अपना ड्रेस चेंज करके अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं अम्यूजमेंट पार्क में जाने का। फंडेबल अमाउंट था वो सारा अपना ले रहे हैं। उधर जिया भी तैयार है, मनीषा जी भी तैयार हैं, तो सभी एक एक करके चलते हैं अम्यूजमेंट पार्क। तो जी आ गए हैं बाहर और बाहर से देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है वाटर पार्क का। आगे हैं जी इस ट्रेन के पास, तो इंतजार कर रहे हैं जी कब यहाँ ट्रेन चलेगी जी। इंतजार कर रहे हैं किसी ड्राइवर का, तो आ गई है। अच्छा जी, तो वो वहाँ पर स्टार्ट कर रही है, तो हम लोग भी अब इस ट्रेन का राइड लेने वाले हैं और यहाँ राइड शुरू हो गई है। नज़ारा पीछे कैसा है, पीछे पूरा सीट खाली है, सिर्फ हम चार लोग हैं यहाँ पर। घाटी से गुजर रहे हैं और यह कृत्रिम घाटी है, आर्टिफिशियल वैली है, लेकिन फिर भी एक अच्छा सा नज़ारा लग रहा है यहाँ पर। काफ़ी खूबसूरत पहाड़ों के बीच झरनों के पास लग रहा है कि जिया में उतरना पड़ेगा। उन्होंने टॉय ट्रेन की तो राइड कर ली है, अब उसके बाद देखते हैं कौन सी नेक्स्ट राइड है। लेकिन यहाँ पर जो भी है बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसे एक बार टाइम पास करने के लिए अपनी फैमिली के साथ आ जाइए, बाल बच्चे के साथ आ जाइए, जो कपल हैं सारे कपल आ जाइए, मज़ा आने वाला है। तो हम लोग जाने वाले हैं इसमें, लोग जी यहाँ राइड लेने वाले हैं। तो जी हाँ बैठ जाओ उसमें, बैठ जाओ बैठ। तो मैं जी अब जा रहा हूँ दूसरे वाले पर बैठने। जी हाँ वहाँ बैठ चुकी है, आप पीछे देख रहे होंगे, मैं इस वाले पर बैठ जाता हूँ। हमें बोला गया कि आप इसी पर बैठे, हो सकता है यही गाड़ी फंक्शन में हो। जी आप सोच रहे होंगे कि जिया किधर है, सचिन भाई के साथ तो मनीषा बैठी हुई है, हमारे साथ हमारी जिया नज़र नहीं आ रही। तो जी बात यह है कि जिया को भी हमने बैठाया था, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मेरे और सचिन भाई का वो गाड़ी टकराया तो जिया को लग गई थोड़ी चोट, तो जिया कहे कि मैं नहीं बैठूंगी, तो जिया चली गई। फिर मैं जी अकेले ही राइड कर रहा था, लेकिन मज़ा आ रहा था। मज़ा आ गया, पहली बार में तो हम राइड कर ही नहीं पा रही थी, हमें थोड़ा समझने में ही समय लग गया, लेकिन थैंक यू अंकल का जिन्होंने दूसरी बार भी हमें राइड करने दे दिया और अच्छे से समझ गए हम। मज़ा आ गया जी यहाँ राइड ले करके। कौन है मनीषा? वाह, तो दोस्तों तो डक है लोग जी अब इस झूले पर चढ़ रहे हैं, मुझे डर लग रहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि कम स्पीड पर ही चला देंगे इनको। ओके, तो इन्होंने कहा है कि जब आपको लगे तो आप कहना बंद भी कर देंगे। तो चलिए जी अच्छा राइड भी ले लेंगे हम। बाकी सचिन भाई सब किस दूरी पर ये बता दें, तो जिया उधर बैठी हुई है, मज़ा आ रहा है जी, हल्की हल्की राइड है। तो जी हम लोग ले रहे हैं ये वाली राइड, स्पीड थोड़ा सा कम है तो हमें भी थोड़ा कम्फर्टेबल लग रहा है, उतना डर भी नहीं लग रहा, लेकिन मज़ा आ रहा है जी इतनी ऊँचाई से ये सब देखना और इस तरह से घूम रहे हैं जी। जब छोटे थे तब थोड़ा सा स्पीड पर चलता था, जब से लॉकडाउन में घर के अंदर बैठ गए हैं तब से ये हाल हो गया कि थोड़ी सी घबराहट होने लग गई है, ज़्यादा ऊंचाई पर ज़्यादा स्पीड से चलता है, तो इसलिए नॉर्मल स्पीड पर अभी चल रहा है तो हमें कोई उतना असर पड़ नहीं रहा है। हमारी राइड हो गई कंप्लीट और हम लोग इंतजार कर रहे हैं सचिन भाई और मनीषा जी का ये वाली ट्रॉली में। अरे आप आपके मैं बहुत बड़े फैन हैं। बिल्कुल जी, हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं, आप आइए, आपके साथ एक सेल्फी लेना है हमें। हमको भी अब हम लेफ्ट राइड लेने वाले हैं यहाँ फुल राइड, तो देखते हैं कितने देर तक हम लोग एक दूसरे का है। हाँ जी, और इसमें यह हवा भरा जा रहा है, तो यहाँ जब भर जाएगा तब इसके ऊपर हम लोग राइड करेंगे और देखते हैं कितने देर तक हम लोग उस पर टिक पाते हैं। देखिए जी इसमें पूरा एयर अब भर चुका है, अब इसके बाद हम लोग लेंगे बुल राइड।
आपको डेयर है कि आपको 30 सेकंड तक होल्ड करना है, कम से कम 30 सेकंड तक। हाँ, भगवान जाने कितने सेकंड तक होल्ड करेंगे हम। चलिए कोशिश करते हैं हम, चलिए देखते हैं। बेस्ट ऑफ लक कर पाते हैं पति देव। फिर शाम के बैठिएगा जोर शोर से, यहाँ साफ सफाई की तैयारी हो रही है पाउंडर पे चढ़ने। तो भाई साहब हम जा रहे हैं बुल राइड पर, देखते हैं कितने देर तक हम थाम पाते हैं। आप बताइए वो कैसा फील हो रहा है यहाँ इस पे जाने में। हमको थोड़ा सा अंदर से घबराहट प्लस एक्साइटमेंट सब कुछ हो रहा है। तो देखिए अंदर, देखिए आप दिख रहे हैं सर अच्छे से बैठिए। ओ भाई सभी तो लोग चार बज गया थोड़ा अच्छे से घुमाइएगा इनको, गिराइएगा नहीं। कभी हमसे नहीं पैसा लगा दो, कभी हमसे नहीं पैसा लगा दो, ये हमसे थोड़ा मुश्किल है अब जिया, क्योंकि एक ही राउंड में हम जीते जा रहे हैं। जा जिया, चलिए आप लीजिए राउंड लीजिए, आपको देखते हैं पहले। सचिन भाई अब यहाँ बुल राइड पर आ चुके हैं। ओ भाई बस, ओ भाई ओ ओ ओ हो चलो धीरे धीरे थोड़ा। अरे चक्कर आ गया बस। ओ पूरा घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो यह बुल राइड ही लगा कि हमसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि लग रहा है कि थोड़ा सा चक्कर आने लग जाता है उस पर करने पर। तो हम लोग बुल राइड अब करेंगे नहीं, अब जाते हैं किसी नेक्स्ट राइड पर। जिया जा रही है राइड पर, लेकिन कहा गया है कि थोड़ा सा स्लो घुमाने के लिए। स्लो घुमाइए। तो अब यह चक्कर मारना शुरू कर दिया है हमारे बुल महाशय ने। तेल मत करिएगा प्लीज। तो जिया मार रही है जी चक्कर, जिया को मार रही है। थोड़ा सा तेज करवाएं? नहीं मर जाएंगे, मर जाएगी नहीं मरेगी पक्का, नहीं जिंदा रहेगी, गारंटी है इस बात का। सासुर भाई की उतरने से A few moments later. लोग अब ले रहे हैं नेक्स्ट राइड और हम लोग बैठ चुके हैं। अरे नहीं गिरेगा, काहे चिंता कर रहे हैं। तो जिया बैठी है इस साइड, जी हम लोग कर ली है यहाँ पर राइड। अब जिया और मनीषा चाहती है अकेले एकदम स्पीड में राइड करें, तो इन लोग स्पीड में राइड करने देते हैं, हमें नहीं करना दिया उतना स्पीड में राइड। तो जिया और मनीषा अकेले राइड कर रहे हैं और करें फुल स्पीड में राइड करेंगे। हम लोग वहाँ पर एक झूला का राइड ले लिए जी, जा रहे हैं मिरर हाउस में। तो मिरर हाउस के अंदर गए हैं पहले भी, लेकिन जितनी बार जाते हैं उतना बार मजा आता है, एक बार फिर चलते हैं। जिया का फर्स्ट टाइम है ना मिरर हाउस में एक्सपीरियंस, तो चलिए जी जिया का क्या एक्सपीरियंस रहता है हम लोग चलकर देखते हैं। और उधर लाइट ऑन हो गया है, अब चलते हैं। अब जा रहे हैं अंदर, अब इस भूल भुलैया में हम लोग कहाँ जाएंगे, हर जगह से रास्ता इधर इधर इधर। ओ भाई साहब बहुत चोट लगता है। ओ भाई साहब किधर चल रहा है, चल रहा है किधर है। हम लोग चल रहे हैं अंदाजा लगा लगा के। हम टकरा चुके हैं एक दफा। अरे चलो भाई दोस्तों हम लोग हैं, रुको सासुर भाई आगे जाएंगे। तो गाइस हमने प्लान लिया कि अब सासुर भाई थोड़ा आगे जाएंगे। बिल्कुल चलिए हम गाइड करते हैं, अभी तक तो सही जाते जा रहे हैं हम लोग, अभी तक सही जा रहे हैं। चलिए चलिए, यहाँ शीशा यहाँ नहीं है, चलिए चलिए चलते जाइए चलते जाइए। यहाँ भी शीशा है, यहाँ भी शीशा, यहाँ भी शीशा, गलत रास्ते। तो हम लोग जा रहे हैं दूसरे रास्ते में, हम यहाँ का रास्ता यहीं तक था। ओ किधर है, यहाँ है, यहाँ है।
चलते हैं जी हम लोग अंदर, हम नहीं जाएंगे। अरे चलो ना। चलो ना, कुछ नहीं होगा। मनीषा जा रही है, तुमको डर लग रहा है। चलो चलो चलते जाओ, चलते जाओ, कुछ नहीं होगा। ये सब खाली मन का है भ्रम। चलते चलो, चलते चलो, आगे तक नहीं है, आगे तक नहीं है। अरे बाबा रे, अच्छा खासा घूम रहे हैं। तो हम लोग अंदर चल रहे हैं जी। वो शीशा खुलता है, आराम से आराम से। ओहो अंदर देखिए जी, क्या सुंदर है। ओहो जबरदस्त, यहाँ से जी देखिए लग रहा है कि कितने नीचे हैं हम लोग, लेकिन है नजदीकी, वो शीशा नजदीकी है। तो ये मन का भ्रम है जी, इसमें नहीं रहना है। तो चलते हैं अब आगे। चलो जी, हम लोग अब यहाँ से एग्जिट कर गए हैं जी। यहाँ पर कॉफी, सब हम लोग कॉफी पियेंगे। और बाकी जो है जी अभी काफी थक गई है, सभी लोग यहाँ पर काफी थक गए। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे रूम पर, और कल सुबह हमारी ट्रेन भी है सुबह 8 बजे, तो इसीलिए थोड़ा पहले जाएंगे तो आराम भी कर लेंगे। A few moments later. तो जी हम लोग घूम लिए जी, अब इसके बाद हम लोग अब चल रहे हैं घर, और हम लोग की थोड़ी बहुत पेट पूजा भी हो गई, तो अब इसके बाद चलते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उधर से सचिन मनीषा भी आ रहे हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा कोई वीडियो है सबसे पहले आपको मिले। और हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दें, आपकी एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, शेयर करना बिल्कुल भी ना। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई वीडियो के साथ। बाय।